जब मैं आज घर आ रही थी तो मैंने iPhone XR देखा दुकान पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। सच्ची तुमको बहुत पसंद आया वो? Yes sweetie, I really love it. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल टैक्सी का किराया दे दूंगा, जाके दोबारा दिखाना। आज मैं तुम्हें बताऊंगी इंसान क्या होता है। हमें तो जैसे पता ही नहीं था। इंसान वो होता है जो लोगों के बुरे वक्त में उनका साथ दे। पर मैडम सच्चाई तो ये है कि एग्जाम हॉल में ना आप इंसान बनती हो ना दूसरों को बनने देती हो। बाबू मेरे ना सीने में बहुत दर्द हो रहा है 2 दिन से। तुमने डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया तो था। क्या बोला उसने? वाओ इतना बड़ा बड़ा। क्या दिखाया? पापा आपने मम्मी में ऐसा क्या देखा जो उनसे शादी कर ली? उसके गाल का वो छोटा सा तिल, हाय कितना क्यूट लगता था। कमाल है, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। अरे चुप कर जा मेरे बाप, उसने सुन लिया तो और मुसीबत हो जाएगी। The atomic weight of... रहने दीजिए ना, आपके बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। Really? जब आपकी जुल्फें आपके चेहरे पे आती हैं, तो एक लड़की। आप लोग क्रिकेट खेलते हो ना? हाँ। मेरा भाई भी बहुत अच्छा खेलता है। जब तक मेरा भाई गली में ना आए ना अंकल, क्रिकेट शुरू नहीं होता। क्यों? बैट उसके पास है। नहीं नहीं, सुसु करके वो मिट्टी गिल्ली करता है ना, उसमें तो स्टंप काटते हैं। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना। कुछ काम धंधा तो है नहीं, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। माँ बाप यही सिखा के भेजा है। कुछ बोले क्या? नहीं झाड़ू देना था, पैर हटाइए। कैसे खुश हो रहे हो? अरे भाई तुझे याद है हमारे कॉलेज में प्राची भारद्वाज थी? हाँ हाँ, जो पैसे के लिए किसी से पट जावे थी। भाई शादी कर रहा उस ते। बेटा ये पर्दे ठीक कर दो। जी माँ। जरा ये रिमोट पकड़ा ना। जी। चप्पलें भी सेट कर दे। और हाँ एक और चीज, तुम ना एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूँ। मेरी कोई बात नहीं मानता। आज शक्ल देख लो, ऐ लग रहा जिवें रब ने पेंसना डैन बनाई होवे। देख किवें मूल वेड़िया, शक्ल लग रही है जिवें चुड़ैल ने लहू पीता होवे। ना जे एड्डी माड़ी लगदी है ना, फिर जहर क्यों नहीं दे दंदा कंजरा। कोई काम खुद ना करी। हाय रब्बा मेरेया, सब देख लिया मैं, सब देख लिया। की देख लिया तू? एक मिनट च मैं नाला बन लिया। की देख लिया तू? मैं देख लिया सब कुछ। तेरे वाली मैं सियापा ही नबेड़ देना सारे पजामे च लास्ट। You mean you're 24? 23 की तो आप भी नहीं दिखती। 33 की दिखती हो, 34 लिख दो। Sex? मन तो है करने का लेकिन आईने का शादी से पहले नहीं। Stupid, male or female? Hello, दो कॉफी लेके आ फटाफट मेरे कैबिन में। How dare you? तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं कंपनी का CEO बोल रहा हूँ। Oh sorry, क्या आप जानते मैं कौन? नहीं। अच्छा दो कॉफी लेके आ फटाफट, वो भी मलाई मार के। मैं खाऊंगा यार। अच्छा ये ले। थैंक यू जानू, बहुत भूख लगी थी। चल गए, खड़ा हो। हाँ भाई, तू तो आंटी वाली जेब में सिरके की डिब्बी बता रही था, ये तो पूरा सिगार रखे पड़ा। अरे क्या पकड़ लिया अंकल ये? पूरा एंजॉय कर रही। अरे ओ पिंटू की अम्मा, तनी सुनती हो? अरे का हुआ, काहे गला फाड़ रहे हैं? अरे वो काम वाली रखे का? नहीं नहीं। कह का हुआ? हम आपका रग रग से वाकिफ हैं, हम वो पहले काम वाली बाई थे। सुहागना हाथ नू अपनी बीवी दा कोंड चुक के ओनू कहदा जा मैनू कोई ऐसा काम दस, मैनू कर ला कुछ ना पवे। ओने बैठ थले बंदा कदे कदी लै फिर कंजरा वेखी जा। ओए तुझे पता है आई लव यू का आविष्कार किसने किया था? हाँ चीन ने। वो कैसे? उसमें सारी चाइनीज वाली क्वालिटीज हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। दिन भर फोन चलाता रहेगा, क्या होता क्या है फोन चलाने से? बैटरी खत्म हो जाती है। अच्छा मम्मी ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आपको बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए?
केक पर मोमबत्ती की जगह अपना फोन जला दियो। जानू मेरे लिए चांद तोड़ के ला सकते हो? हाँ जानू अभी लाता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे लिए शीशा लेने। और तुम मुझे ही चांद समझते हो? अरे नहीं, जिस मुंह से तू चांद मांग रही है ना, उस मुंह को जरा शीशे में तो देख ले। आपको शर्म नहीं आती ऐसे कैसे चिड़े जैसे बाल रखे और आप दीपिका पादुकोण का नाम ले रहे हैं पागल से? HMMM क्या HMMM? वो सोचने वाला था ना, वो HMMM। रशीद मैकेनिक के नंबर पे लड़की की तस्वीर? गलत नंबर सेव हो गया होगा। अभी डायल कर। डायल मत करो, सो गई होगी। सो गया होगा। केनमुक्त का सेवन स्टार। हाँ जी मम्मा। ये बता ब्लड ग्रुप क्या है तेरा? बी पॉजिटिव। क्यों? शर्म कर ले, शर्मा जी की बेटी का ए पॉजिटिव है। प्लीज मम्मा। हेलो, कहाँ पर हो? अरे जानू, वो तुम्हें याद है ना, मार्केट में एक ज्वेलरी शॉप थी जहाँ पर तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था और मैंने तुम्हें लेके नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। हाँ जानू, याद है ना। बस उसी शॉप के बगल वाले शॉप से ना अपने लिए अंडरगार्मेंट्स खरीदा। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को गले लगा लूं तो क्या होगा? नरक में जाएगी बालिके। अच्छा, और अगर मैं आपको गले लगा लूं तो? चालाक लड़की स्वर्ग जाना चाहती है। मजा ना आलू करियो किलो। छापर चाने नहीं, मैं यूएसबी दिना उचू कर दे। बाबूजी आप बाजार जा रहे हैं ना, इलायची खत्म हो गई है, आप लेते हुए आना। अरे भाऊ, इलायची तुम्हारी सास का नाम है, ऐसे बड़ों का नाम नहीं लेते। अच्छा तो माँ जी खत्म हो गई है, उन्हें लेते हुए आना बाजार से। भाई थोड़ी जी तकलीफ करना यार। गोलू एगो बात बताओ, शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखते हैं रे? ताकि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए, अबे ये तो मेरी वाली है। यार अब तुझसे मैं क्या छुपाऊं, कल ही मेरा गुची का पर्स ऑडी से गिर गया। लाइफ में कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है यार, सब कुछ बहुत बुरा सा हो रहा है। Excuse me, madam. Sorry, I have a boyfriend. अबे ओ बॉयफ्रेंड की अम्मा, मुझे साइड से जाने दे, बीच में रास्ता रोक के खड़ी है। जानवर का मुखड़ा। अच्छा, जानवर का मुखड़ा, तेरे रेशम वर्गियां पावा, मोटर चलाओ मैं ते नहा। इना दोवा भरावां नूं लब्भा 1000 दा नोट, कहिंदे की कर लईए। जिहड़ा भरा कहिंदा 50-50 कर लैणे आ, इह विचों कहिंदा बाकी 900 दा की करांगे। सीना बाहर निकालो और निकालो और निकालो और निकालो, मैं काट के बाहर रख दे। कायदे में रहो, नहीं तो तुम्हारी बहन की डिंग डिंग। तुम ही कर लो बात, मुझे क्यों बुला, कर लो बात। देखो बेटा, तुम्हारी यहीं खड़े खड़े फाड़ दूंगा मैं कांड। तुम ही दोनों कर लो, मेरे को क्यों बुलाया, कर लो तुम ही। तुम्हारा नाम क्या है? गू। गू? सर ये तो कुछ भी नहीं, मेरी माँ का नाम है और बाप का। आपको पता है उनकी शादी के कार्ड में क्या लिखा था?
क्या वेट। और आपको पता है मेरा एक छोटा भाई भी है, उसका नाम है। उसको बुलाने के लिए ना बहुत प्रॉब्लम होता है, हमें पेट भर के खाना पड़ता है हमें, तभी हम उसको बुला पाते हैं। इधर आ, पढ़ ले, खा ले। कल जो लड़की देगी तुम्हारे लिए पसंद तो है तुम्हें? हाँ बेटा, तेरी जिंदगी का सवाल है, ढंग से फैसला लो, दोस्त समझ के बता दो खुल के। अब आप लोगों ने जो फैसला लिया ठीक ही लिया होगा। देख बेटा मन में कुछ मत रख, बता दे। यार पापा उसका फिगर ठीक नहीं है। हेलो कहाँ हूँ आप, कितना टाइम लगा दिया। अच्छा तुम्हें वो हीरा ज्वेलर्स याद है? कौन सी ज्वेलर? अरे पिछले हफ्ते जहाँ तुम्हें डायमंड का नेकलेस पसंद आ गया था। हाँ हाँ, और तुमने मुझसे कहा था कि यार मुझे वही चाहिए। हाँ 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 हाँ, तो उसी ज्वेलर के बगल से एक नाई की दुकान है, वहाँ बाल कटवा रहा हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगा। बेटा मुझे बुलाया क्या बेटा? अरे नहीं नाना, मैं आपको नहीं बुलाया हूँ, मैं टिकटॉक बना रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, बेटा बाहर कोई आया है ज़रा देख लो तो। जी नाना, क्या कर रहा था ये? भाई मुझे आई एम गोइंग का मतलब बताओ ना, मैं जा रहा हूँ। अरे यार पहले बता दो ना, आई एम गोइंग का मतलब बताओ। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे यार ज़रूरी है, प्लीज़ बता के जाओ। अरे यार मैं जा रहा हूँ, मैं भी देखती हूँ बिना बताए कैसे जाता है साला कुत्ता कमीना। इधर माँ मुझे होम ट्यूशन चाहिए। बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या ज़रूरत है? माँ तुम भी तो घर का काम करने में बहुत होशियार हो, फिर काम वाली बाई रखने की क्या ज़रूरत है तुमको?